हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, NDA-1 में आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी, नो डाउट पिछले बार से और अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्लासरूम स्टूडेंट ने भी, ऑनलाइन स्टूडेंट से भी। सबसे अच्छी बात है मेरे पास पिछले दो दिनों में जितने फ़ोन आए, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे बहुत जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे ऑनलाइन के जिन्होंने इस बार NDA-1 क्वालिफाई किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने NDA-1 के साथ TES के लिए भी क्वालिफाई किया हुआ है। और इसलिए मैंने आपका पिछला जो TES 42 का एक सेशन लिया था, उसमें मैंने आप लोगों से बोला था कि 15 जुलाई से हम लोग TES के लिए SSB बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने उस समय बोला भी था कि NDA-1 का रिजल्ट आने वाला है, और वो रिजल्ट जैसे ही आएगा तो कंबाइंड होगा। पर अब क्योंकि NDA-1 का रिजल्ट आ गया, और दूसरा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही TES के लिए अप्लाई किया हुआ है, कॉल लिया हुआ है, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि क्योंकि आप लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली, मेरी कई बार बात नहीं हो पाती, तो हमने TES के और SSB मतलब NDA-1 के SSB के सेशंस को प्रीपोन्ड कर दिया है। यानी हम लोग पहला बैच अब 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 15-15 दिन के सेशंस रहेंगे, 15-15 डेज के, और ऐसे कंटिन्यूसली चलेगा। 1 जुलाई, 15 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 15 अगस्त, ऐसे 4-5 SSB के बैचेस रहेंगे। आपकी अकॉर्डिंग टू डेट आप ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली। इनफैक्ट इस वेडनेसडे से भी, यानी 24-26 से भी कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, क्योंकि उनका जुलाई 8 को SSB है। अगर आपका एकदम अभी है जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो आप 26 को भी आ सकते हैं भोपाल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे प्रीपोन्ड इसलिए करना पड़ा क्योंकि NDA-1 का भी रिजल्ट आ चुका है, TS 42 के लिए भी आप एप्लीकेबल हैं, और साथ में भी नेविटेक का भी आने वाला है। यानी आप सबके लिए एक बार देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जितने लोगों ने निकाला है, कि आप एक ही समय में 3-3 SSB भी दे सकते हैं। 3 या 2 SSB देने वाले बहुत बच्चे हैं। मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलूंगा कि SSB के लिए मैंने आपके साथ सेशन भी शेयर किए थे, और यहाँ पर भी रेगुलर सेशंस होंगे। और सबसे ज़्यादा कई प्रॉब्लम होती है कि कई बार हम फर्स्ट डे ही आउट हो जाते हैं, यानी स्क्रीन राउंड में ही आउट हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा मैं उसी पर प्रैक्टिस करने वाला हूँ, या हम कॉन्फ्रेंस राउंड में आउट होते हैं। क्यों होते हैं वो समझना है, क्योंकि SSB एक आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को चेक करता है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उसके साथ रेगुलर सेशंस आएंगे जिससे कि आप बहुत अच्छे से निकाल पाएं। पर मैं जो बातें आपसे बोलता हुआ आ रहा हूँ, देखिए वो बिल्कुल सच हुई जैसा मुझे उम्मीद थी। और मैंने बोला भी था इस बार NDA कट ऑफ के समय भी कि कट ऑफ मैथ्स का 100-110 के आसपास जाना चाहिए, बिल्कुल लगभग वैसे ही गया। मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर NDA-1 का कट ऑफ क्या गया है, तो मैथ्स का टेंटेटिव मैं बता रहा हूँ 100 से लेके 120 के बीच के आसपास गया है, मतलब 110 भी हो सकता है। और GAT की अगर बात करें तो 220 से 240 के बीच में गया हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें 100 और 240, तो 340 दोनों का मिला के 120 से 220 तो 340, यानी अगर 340 के आसपास ओवरऑल बन रहा है तो आपका NDA-1 निकला होगा। क्योंकि कुछ बच्चों के NDA नहीं निकल पाए, जब उन्होंने पूछा मैथ्स में तो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ बच्चे GAT की वजह से रह गए। इसलिए मैंने इस बार प्लान किया कि GAT में आप क्या क्या कर सकते हो, आप अगला एक्शन क्या। अच्छा, एक और बात बोलना चाहूंगा, जो लोग NDA-1 क्वालिफाई किए हुए हैं, या TES किए हुए हैं, या नेविटेक से कॉल आ जाए उसके बाद भी उनको NDA-2 पे फोकस रखना है, वो कम नहीं होने देना है। और साथ में कोशिश करना है कि जो 2-3 SSB दे रहे हैं वो निकाल पाए। तो आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए कि अगर आप आ सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ सकते कोई बात नहीं है। आप अपने आप को जो परफॉर्म करना है, जो मैंने आपके साथ SSB के सेशन शेयर किए प्रतीक सर के या अभिषेक सर के, उनको जरूर देखिए। अभी कुछ सेशन और भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं फिर आपसे बोलूंगा, मैंने अभी एक TS 42 के लिए पूरा सेशन, पूरा प्रिपरेशन प्लान बताया था कि आपका 5 दिन क्या होने वाला है। वही चीज SSB सबके एक होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होते, वो चीज सब पे एप्लीकेबल। अगर आप NDA-1 क्वालिफाई हैं तो आप उस सेशन को दोबारा जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप SSB में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो ये दिमाग में रखिए, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी चेक की जाएगी। इसका मतलब आप एक्चुअल में जो हैं वही होंगे तो आप सिलेक्ट होंगे, नहीं तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिए, नंबर 1, आपको आर्टिफिशियल नहीं बनना है, ना ही कोई चीज़ रट के जानी है, आपकी अपनी ऑन पर्सनालिटी होना चाहिए। आपकी हॉबी जो है वो जो है वही लिखिए, आपका जो आपका अब तक का पास्ट रिकॉर्ड है वही बताइए। आप कुछ भी आर्टिफिशियल बताने की कोशिश ना करें, एक्चुअल बताने की कोशिश करेंगे जो है वो आप अगर एक्चुअल परफॉर्म करेंगे तो ही फायदा होगा। इसके अलावा कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि SSB हिंदी में होती है कि नहीं, मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूं, SSB में हिंदी का यूज नहीं होता है। तो आप पर उसके लिए घबराइए मत, भले ही आप हिंदी मीडियम में, पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काम करता है कहीं ना कहीं।
तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, बहुत ही बेस लेवल पे क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं आप उसका प्रॉपर अगर जवाब दे पाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस सेशंस अगर आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हैं और नहीं आ पा रहे हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चालू करूंगा नेक्स्ट वीक में, वो भी आपके साथ सेशन शेयर होंगे, जिससे कि आप इन केस नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम प्रिपरेशन करें। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की मैं इस लेवल पर प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप किसी भी कीमत पर किसी भी कंडीशन में कम से कम स्क्रीन आउट ना हो। अब अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस आउट ना हो तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको अगले चार दिन भी परफॉर्म करना है। नंबर वन, पहले दिन आपको इंटर होना है और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग और पिक्चर परसेप्शन के ऊपर स्टोरी लिखनी है। अब इनमें आपका बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल ब्रेन होगा तो आप ये क्लियर कर लेंगे। तो ये सेशंस मैं चालू कर दूंगा और फिर 3-4 डेज आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। अपने आप को तैयार करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करिए। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो लोग SSB के लिए आ रहे हैं, जिनसे मेरी बात नहीं हो पाई, स्पेशली जिनसे हुई उनसे तो मैंने बोला है 26 से लेके कभी भी आप 1 जुलाई को आ रहे हैं, 26 को आ रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, या 15 जुलाई को आ रहे हैं तो आप लोग एक बात याद रखिए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल वो सब लेके आएँ। क्योंकि अगर आप सपोज आते हैं, आप 1 जुलाई को आते हैं और आपका SSB मान लीजिए 20 जुलाई को, तो भी मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा, हम 20 जुलाई तक आपको रोकेंगे, 25 जुलाई को तो भी रोकेंगे, अगस्त में तो भी रोकेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने आप को तैयार करेंगे हम सिलेक्शन के उतने करीब पहुँचेंगे। तो ये कहने को मैं आपको बोल सकता हूँ कि 15 दिन का बैच है, पर एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं रिटर्न में भी यही करता हूँ। इसलिए यहाँ पर जब बच्चे रिटर्न के लिए पूछते हैं, जो बच्चे आए हुए आज इंडिया के हर डिफरेंट सिटी के बच्चे हैं, तो जब वो पूछते हैं, जैसे इस बार 2 बच्चे जो चेन्नई के, उन दोनों का रिटर्न निकला हुआ है, तो जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कितने दिन का बैच है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कितने दिन का नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होगा जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेहनत हर दिन करनी। तो आपको मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप जिस भी डेट को आएंगे SSB के दिन तक आपको यहीं रुक के पढ़ाई अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है, फिजिकली मेंटली इमोशनली आपको हर लेवल पे अपने आप को तैयार करना है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, अब आप अपना अगला टारगेट SSB पे फोकस करिए और अपना 100% देने की कोशिश करिए। SSB में क्या 5 दिन में होता है उसका सेशन ऑलरेडी है, मैं सेशन के साथ उसका लिंक शेयर करूंगा, वो जरूर देखिए, सारे SSB वाले आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार वो सारे सेशन देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप कहीं पे भी रहे, देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कहीं पे भी रहें, आपको अपने आप को डेवलप करना है, और SSB बिल्कुल सेल्फ डेवलपमेंट वाली बात है। आप परफेक्टली कितने ऑलराउंडर हैं, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पे कितना कमांड है, आप दुनिया भारत के बारे में क्या जानते हैं, आप करंट अफेयर्स आपके कितनी नॉलेज है, आप रेगुलर न्यूज़ देखते हैं कि नहीं, आप कितने अपडेट हैं, बेसिकली ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने टूवर्ड नेशन आप पॉजिटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हर जगह वो पॉजिटिवनेस आपकी झलकना चाहिए चेहरे से, आपका फेस वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और वो ईमानदारी से करना, आपको आर्टिफिशियली नहीं होना, आपको उन लोगों के लिए करना जिनको नहीं जानते। मैं आपको कई बार इसका एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब आप SSB क्लियर करके आगे जाते हैं तो आप ऑफिसर रैंक पे जाते हैं, आपको एक टीम मिलती है, उसको हैंडल कैसे करोगे, तो आपकी कमांडिंग पावर कितनी है, आपका आई कॉन्टेक्ट कितना अच्छा है, आप लोगों से आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आप लोगों को कैसे लेके चलते हैं, आप किसी भी इवेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं, सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया है तो आप उस एक्सीडेंट को आप जा रहे हैं तो आप उस एक्सीडेंट के वजह से क्या आपका थॉट होता है, आप भीड़ का हिस्सा बनते हो या उस पर्सन को लेके इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। यानी आप केवल किस तरह से आपके किसी इवेंट पे रिएक्शन होती है इस पर SSB बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल, मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ये शॉर्ट सेशन है क्योंकि अब आप लोगों के पास हर दिन अपने आप को तैयार करने का समय है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब फोकस हो जाइए SSB के लिए, क्योंकि आपको इस बार 2-3 SSB मिलने वाले, उन दोनों तीनों को। और एक और बात बोलना चाहूँगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका TS से कॉल नहीं आए, क्योंकि इस बार TS 42 में 85% और अवब PCM वाले बच्चों को कॉल किया है। तो अगर आपका जैसे 85 से बिलो तो आपको ऑब्वियसली कॉल नहीं आया होगा, तो आप NDA-1 क्वालिफाई, आप उस SSB की प्रिपरेशन करिए। आपके पास जितने SSB 1, 2, 3 जो भी हैं, उन सब में अपना 100% देने की कोशिश करिए, और 100% देने की जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे 100% सिलेक्शन के भी चांस होते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो है जेई 2020 टारगेट। आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन भेजे हैं, जो जो डाउट भेजे हैं, वो इस सेशन के साथ डिस्कस करूंगा। साथ में ही मैं आपके साथ टेस्ट प्लान भी डिस्कस करूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट के भी बच्चे आप लोग जुड़े हुए हो। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए इम्पिटस गुरुकुल से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि डिफरेंट कोचिंग में जा रहे हैं और फिर वो क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसलिए ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी को, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि टाइम मैनेजमेंट क्या हो, दूसरा टेस्ट प्लानिंग क्या है हमारी, वो मैं बताना चाहूँगा, और आपको आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें डेवलप करनी है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप कंसेप्चुअल पढ़ाई करेंगे तो ही फायदा होगा। तो मैंने आप सभी को पहले भी बोला था कई बार, अभी क्योंकि इस समय सभी बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं, न्यू बच्चे आते जा रहे हैं, तो ऐसे में बात नहीं हो पाती। तो मुझे जो बताया बच्चों ने, जो कॉल आया मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप दो जगह जा रहे हैं, जैसे एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, सेल्फ स्टडी कम हो रही है, क्योंकि आप सुबह से अभी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं तो आप कैसे मैनेज करेंगे, ये एक क्वेश्चन था कि सर अभी तक तो हम स्कूल नहीं जा रहे थे पर अब हमारे स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, इवनिंग में कोचिंग, मॉर्निंग में स्कूल, तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूँ कि अगर आपने सेल्फ स्टडी नहीं की तो आप समझ के चलना कि आप कितना भी पढ़ लें आपका सब बेकार है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना सेल्फ स्टडी के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। दूसरा टाइम, में एक और बात बोली थी कुछ बच्चों ने मुझे जो पूछी थी कि सर आपका सेशन, आपके वीडियो भी पढ़ने से भी देखना है, फिर इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पर भी मैथ्स पढ़नी है, उन दोनों को मैनेज कैसे करें। तो मैंने आप सबको पहले भी बोला था, एक बार फिर बोलूँगा कि आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट में जाते हैं और साथ में इम्पिटस गुरुकुल के ऑनलाइन कोर्स से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूँगा कि वहाँ पर जो टॉपिक पढ़ चल रहा है वही आप पढ़ के जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी ज़्यादा आएगा। दूसरा, आपको एक ही टॉपिक पर वर्क करना होगा, इसीलिए मैं जो आपको टेस्ट प्लान बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि आपने बोला था मुझे कि सर आप टेस्ट भेज रहे हैं पर वो टॉपिक हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा तो ऐसे में क्या करें, तो मैं एक आपको आइडिया देता हूँ कि इस केस में आप क्या करिए। नंबर वन, जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको जो टेस्ट भेजना चालू करूँगा, इस संडे से आपका एक तो टेस्ट चालू हो रहा है, सबसे पहला टेस्ट आपका आएगा बाइनोमियल थ्योरम, फिर आगे चल के अभी अलजेब्रा ही रखूंगा मैं, पहले 11th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्रेशन मींस एपी जीपी एचपी, राइट। इसके बाद फिर हम करेंगे सेट, ऐसे टॉपिक चलते रहेंगे, फिर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, राइट, एक्सपो लॉग, इस तरह से हम पहले अलजेब्रा को कवर कर रहे हैं। पर आपका वहां पर हो सकता है आपका वहां ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि जो टॉपिक आपके वहां चल रहा है, अगर आप वहां नहीं जा रहे हैं, इंडिविजुअली पढ़ाई कर रहे हैं केवल ऑनलाइन कोर्स से, तो फिर आप इसी ऑर्डर को फॉलो करें। अगर आप कहीं और जा भी रहे हैं साथ में, तो मैं बोलूंगा कि उन्हीं टॉपिक को पढ़े जो वहां पे पढ़ाए जा रहे हैं और पढ़ के जाएं पहले वीडियो से, उसके बाद आप देखोगे तो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ऑनलाइन से जुड़े इसलिए क्योंकि आपका वहां पे फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाया था, बेसिक क्लियर नहीं हो पाया था, जो मेरे मुझे जो दिक्कत दिखी, जो आपने मुझसे बातें शेयर की। देखिए एक चीज समझिए, कभी भी जब हम जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन का ऑर्डर होना चाहिए बेसिक, फाउंडेशन, मेंस और एडवांस। अधिकतर जगह पे ये होता है कि पहले एडवांस पढ़ा दिया, फिर मेंस और फिर फाउंडेशन, लास्ट के 15 डेज में फाउंडेशन पढ़ाया जाता है, इसलिए कई बार हमारे साथ प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले से 11th 12th का सिलेबस करा होता है, उनको प्रॉब्लम नहीं जाती, पर अगर आपने पहले से सिलेबस नहीं करा तो आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो आप ऐसे में कन्फ्यूज होने की जगह एक ऑर्डर बिल्कुल क्लियर रखो जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कि पहले आपको 11th 12th का बेस बनाना है, यानी पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 11th और 12th में फुल मार्क्स कैसे हैं, ये होता है फाउंडेशन। अगर ये चीज कर ली तो आप आईआईटी जेई में सिलेक्ट हो जाओगे, अगर ये नहीं करा तो प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ाई से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट है आपका, मैंने जो आपके साथ कोर्स भी आप जो पढ़ रहे हैं उसमें तीन चीजें आपने देखी होंगी, मिली होंगी, एक फाउंडेशन है, एक मेंस है और एक एडवांस है। एक ही टॉपिक को थ्री डिफरेंट वे से हमें कवर करना है। जब हम फाउंडेशन पढ़ें तो हम हर चीज को कंसेप्ट बिल्ड करें। फाउंडेशन पढ़ते समय मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बोलूंगा, टेस्ट बुक को जरूर करें, 10 गाइड सॉल्व नहीं करना, मिनिमम गाइड सॉल्व करें, एक गाइड सॉल्व करें, एक टेस्ट बुक रखें, इतना भी काफी होगा कंपेयर टू कि आप 4-5 गाइड सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप पहले फाउंडेशन अच्छे से करें, यानी पहले टेस्ट बुक को सॉल्व करें, भले वो एनसीआरटी क्यों ना, भले आरडी शर्मा क्यों ना, आरएस अग्रवाल क्यों ना, पर उसका हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का होना चाहिए, ये पहला ऑर्डर। जब वो हो जाए तो फिर मेंस वाले फोल्डर पे जाना है। मेंस वाले फोल्डर पे जाने से पहले जो जेई मेंस में क्वेश्चंस आए लास्ट 10 ईयर 15 ईयर में, उनको सॉल्व करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी पेपर्स को, वो सॉल्व हो जाए फिर उसके बाद वो फोल्डर से पढ़िए,
फिर एडवांस के, यानी एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ट्राई ये करिए कि कम से कम आपकी 4 to 5 hours तो सेल्फ स्टडी हो, इतना अगर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसमें 2 hours मैथ्स, 1.5 hours फिजिक्स, 1.5 hours आप केमिस्ट्री रखिए, इतना अगर आप कर पाएंगे, क्योंकि अभी आपके स्कूल भी ओपन हो जाएंगे तो ऐसे में आपका टाइम मैनेजमेंट लगेगा। वंस इन अ वीक अगर पॉसिबल हो तो स्कूल, अगर जिस दिन कम पीरियड हो ना जाएं तो अच्छा, या स्कूल में आजकल क्योंकि कई सारे स्कूल्स में जैसे यहाँ पर भोपाल में भी होता है कि ऑफ जल्दी मिल जाता है, यानी टाइमिंग 4 to 5 hours होते हैं, अगर ऐसा हो सके तो बहुत ही अच्छा है, बात करें स्कूल में, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर पाएं। सोने से पहले आपको ये काम करना है, संडे को जितना पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट करते हुए चलें। अच्छा, दूसरा इस बार एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये टेस्टिंग के साथ साथ इस बार आपके साथ ऑनलाइन टेस्टिंग का भी हम प्लेटफॉर्म ओपन रखेंगे, यानी आपको बाद में अक्टूबर के बाद में स्टार्ट करवाऊंगा, आपको अक्टूबर के बाद नवंबर से ऑनलाइन टेस्ट पेपर्स भी देने रहेंगे, जिसमें आपके टॉपिक वाइज फुल लेंथ और मॉक टेस्ट होंगे, जिससे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस दे पाएं, क्योंकि इस बार आपको भी पता अच्छे से कि सारा IIT ऑनलाइन हो गया है, इस साल हो ही चुका है टेस्ट, तो इसका मतलब आपको अपने आप को ऑनलाइन भी पूरी तरह से प्रिपेयर करना है। तो अभी मैं आपको ये टॉपिक भेजूंगा। अब मान लीजिए कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, या सपोज फंक्शन चल रहा है, या सपोज डिफरेंशिएशन चल रहा है, तो ऐसे में ये टेस्ट आप अभी पेंडिंग रख लें, अभी भले आपको मिले इसको अभी मत सॉल्व करें, पहले आप वो करें जो चल, एक समय में 3 topics ना करें तो ही आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, 2-3 topics करेंगे तो कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे। तो याद रखिए जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक का सेशन देखो, फिर वो टॉपिक अटेंड करो, आपका परफॉर्मेंस 4 times बेटर हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और बिल्कुल मिसगाइड मत होइए, जब तक कि फाउंडेशन बुक सॉल्व ना हो आप आगे मत बढ़ो, आप एक बार इस चीज़ को फॉलो करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। इस लास्ट ईयर और इस साल दोनों बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने 100+ स्कोर मेंस और एडवांस में किया है केवल मैथ्स में, ये अपने आप में अचीवमेंट है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर आप प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी रिलेटेड डाउट हैं वो बिल्कुल मुझे भेज दें, कमेंट्स करके भेज दें या मैसेज मुझे करें, मैं आपके इस अब रेगुलर सेशन JEE के चालू कर दिए, अब लेता रहूँगा, और जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।